Hello everyone, myself Akim Bhatti. I am working from a Kanipur Prathamik School as a judo trainer and Kinder Sports LLP Gandhinagar. Today my topic is a judo minus point, Sido. तो अब हम लोग करेंगे जुड़ो की माइनस पॉइंट वाली यानी कि सीडो सीडो बाउट में कैसे आपको मिलते हैं और कैसे उसकी जो नेगेटिविटी होती है उसमें आपको कैसे इस तरह से आपको सीडो दिए जाते हैं और हम लोग आज आपको दिखाएंगे। सबसे जो पहला सीडो है वो है बेंडिंग का। आप फाइट करते हो तो आपको बेंडिंग में कहां से किस तरह से सीडो मिलता है वो आप फाइट कर रहे हो और सामने वाला पार्टनर आपकी ग्रिप पकड़ गए हो कंटिन्यू जितनी जितना हो बाउट कराते कराते वो इस तरह से बेंड। तो बेंडिंग में एक ट्रांस पोजिशन आती है और एक बेंडिंग आती है। ट्रांस में आपको सिर्फ इतना ही रहना होता है लेकिन आपकी गर्दन भी नीचे की साइड पे हो इस तरह से पूरी तरह से बेंड तो आपको सीडो दिया जाता है यानी कि माइनस पॉइंट। तो इस तरह से ये हो गया पहला सीडो। ये सामने वाला पार्टनर एकदम बैंड है इसकी गर्दन भी बैंड है तो ये इसका सीडो है लेकिन सामने वाला पार्टनर आपको जानबूझ के दुबा रहा है यानी कि ये स्टैंडिंग हिल रहा है। मैं इसको अपनी ताकत से या अपनी ग्रिप से पावर की इस्तेमाल करके मैं इसको जानबूझ के बैंड करवा रहा हूँ मैं ये इसको इस तरह से तो ये मेरा भी एक सीडो हो गया क्योंकि मैं नेगेटिविटी से खेल रहा हूँ और मैं इसको अपनी पावर से इसको बैंड करा रहा हूँ इस तरह से तो ये मेरा भी सीडो हो गया। इस तरह से ये फर्स्ट सीडो है बेंडिंग का। दूसरा सीडो है बेल्ट वाला। आप कंटिन्यू कोई भी ग्रिप हो यानी कि आपका जो बेल्ट है आप अपर बॉडी के नीचे से आप कोई भी ग्रिप पकड़ते हो तो आपको वो सीडो मिलता है नेगेटिव में यानी कि आप ओगोसी ग्रिप की ग्रिप पकड़ते हो यानी कि ओगोसी टेक्निक की ये वाली ये पकड़ते हो तो इस तरह से इसकी ग्रिप आती है यहाँ से या पीछे की साइड से ये लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये बेल्ट पकड़ लेते हैं ये जो बेल्ट होता है ये बेल्ट अपने को नहीं पकड़ना है ये बेल्ट कंटिन्यू 6 सेकंड आप पकड़ के रखते हो तो इसका सीडो है। आप अगर बाउट कर रहे हो आप ओसी की ग्रिप ले गए और यहाँ से आपने बेल्ट पकड़ लिया ये वाला और आप इसको मूवमेंट करा रहे हो या बाउंड करा रहे हो तो आपको इसकी 6 सेकंड का आपको सीडो मिलता है। इसी तरह से वन साइड ग्रिप वाला यानी कि आपने एक ग्रिप पकड़ी हुई है ये इस तरह से वन साइड वाली ये वाली और इसी तरह से ये हाथ में भी आप इसकी लेफ्ट वाली जो ग्रिप है ये भी इसी साइड से आप पकड़ते हुए इस तरह से तो आपको ये भी सीडो मिल सकता है। कंटिन्यू आप ये 6 सेकंड आप पकड़ के रखते हो इसको तो ये आपका हो गया सीडो यानी कि आपका माइनस पॉइंट। अगर मैं इस गर्दे की ग्रिप पकड़ता हूँ मैंने ये प्लेयर की ग्रिप पकड़ दी ये साइड वाली ले हाथ वाली और मैं इसी साइड से इसकी लेफ्ट वाली ग्रिप मैंने पकड़ ली तो ये हो गया वन साइड ग्रिप वाला सीडो यानी कि वन साइड वाला। अब है पिस्तल ग्रिप वाला यानी कि आप जब फाइट करते होते हो तो बहुत सारी ऐसी ग्रिप आ जाती है जिसमें आप प्लेयर की ग्रिप को कंट्रोल एकदम ही फुली जगह लेते हो यानी कि आप ये वाली ग्रिप यहाँ से आप ग्रिप पकड़ते हो तो आपको सीडो मिलता है एकदम नीचे की साइड से ये वाली तो इसका सीडो होता है ये पिस्तल ग्रिप वाला। अगर आपकी उंगलियां भी एक या दो भी अंदर चली जाती है ग्रिप के अंदर तो आपका सीडो हो जाता है यानी कि आप फाइट कर रहे हो इस तरह और ये आपकी ग्रिप चली गई इसके अंदर यानी कि इस तरह से आपने ग्रिप पकड़ ली इसकी आपने छुड़ा भी दी तो ये हो गया मेरा सीडो यानी कि माइनस पॉइंट। तो ये होता है पिस्तल ग्रिप वाला सीडो यानी कि इस तरह से ये आपका थंब भी चला गया आपकी फिंगर भी जा रही है या आपने इतनी बहुत टाइट से भी लास्ट से पकड़ा हुआ है तो ये भी आपका पिस्तल ग्रिप वाला सीडो हो गया। दूसरा सीडो है नीचे लोअर बॉडी का यानी कि आपने सबसे पहला दूसरा सीडो देखा बेल्ट वाला। इसी तरह से आप अगर फाइट कर रहे हो आप कोई भी ऐसी टेक्निक लगाते हो तो आप बेल्ट पकड़ते हो या इसके नीचे से पकड़ते हो ये वाली भी ग्रिप आप पकड़ते हो कंटिन्यू 6 सेकंड या नीचे वाली ग्रिप आप टच भी करते हो तो ये आपका सीडो हो जाता है क्योंकि जो रूल्स के अकॉर्डिंग है वो है यहाँ से बेल्ट की ऊपर की ग्रिप आप सिर्फ पकड़ सकते हो
यानी कि आप कोई भी ऐसी टेक्निक लगाते हो और लगाते लगाते गलती से भी आपका हाथ नीचे चला गया, अपने पीछे वाली ग्रिप या बेल्ट के नीचे की लोअर बॉडी के साइड से भी आपने टच कर लिया, तो आपका सीधो हो जाता है। और ज्यादातर क्या होता है, लोअर वाला सीधो, यानी कि आप बाउट कर रहे हो किसी भी दौरान या आप कोई भी टेक्निक लगा रहे हो, तो टेक्निक लगाते वक्त आपका हाथ लोअर को टच हो जाता है, तो उसका भी सीधो है। लेकिन अगर आप कोई भी टेक्निक लगाते हो, यानी कि मैं इसको लगा रहा हूँ कॉम्बिनेशन टेक्निक इपोन्सियो नागेटो ओचिगारी, ये टेक्निक मैंने लगाई, फिर इसमें जो आपका हाथ होता है ये वाला, ये पीछे की साइड पे जाता है, तो ये अगर आपका हाथ टच होता है तो किस टाइम पे होना चाहिए। देखिए जैसे ही मैंने ये टेक्निक लगा दी, इसका बैलेंस ब्रेक हो गया, एकदम नीचे गिरने वाला है, इसका बैलेंस ब्रेक होने के बाद अगर आपका हाथ टच होता है तो ये सीधो नहीं है। अगर मैंने ऐसे ही ग्रिप डाल दी, इसका बैलेंस ब्रेक नहीं हुआ है और मैंने लोअर पकड़ लिया, यानी कि टच हो गया मेरा हाथ, तो ये सीधो है। इसका बैलेंस ब्रेक हो गया और मैंने लोअर टच किया, तो ये सीधो नहीं है। यानी कि अगर आप कोई भी टेक्निक लगाते हो, ये वाली लगा दी, ये वाली भी लगा दी, फिर आप यहाँ से इसको लोअर पकड़ते हो, तो भी वो सीधो नहीं है। लेकिन आप टेक्निक के अंदर एंटर हो गए, उसका बैलेंस ब्रेक हो रहा है और आप इसके लोअर को टच कर रहे हो, तो वो सीधो नहीं है। बैलेंस ब्रेक नहीं हुआ और आप इसके लोअर को टच कर रहे हो, तो वो आपका सीडो है।